तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे लड़के कैसे हैं? ठिड़की तो नहीं है ज़्यादा? बहुत ज्यादा इतना फोकस नहीं किया लेकिन है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कभी किसी ने आगे बोला हो आप मेरा क्रश है? जी बोला फिर ही बंदा पूरी कर सकता है। वैसे तो नहीं कर सकता, वैसे तो नजर रखती है ना लड़कियाँ, नजर बड़ी तेज होती है यहाँ पे, हर जगह ही, हर जगह ही नजर बहुत तेज है। तो कभी कोई लड़की पसंद आई हो, किसी से मोहब्बत हुई हो, इश्क हुआ हो, प्यार हुआ हो? रोज होती है यार, कई दफा होती है। अच्छा। हाँ, अब बंदा कितनी याद रखे कितनी भूले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लैनेट और मैं हूँ आपका होस्ट अहमद आसिफ घुमन। आज हम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का विज़िट करेंगे और यहाँ की आपको मैं स्टूडेंट लाइफ दिखाऊंगा। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी 1861 में बनी थी और इस यूनिवर्सिटी को बने हुए तकरीबन 160 साल गुजर चुके हैं। तकरीबन हर पाकिस्तानी स्टूडेंट का ये ख्वाब होता है कि उसे जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन मिले, लेकिन किस्मत वालों का ये ख्वाब पूरा होता है क्योंकि यहाँ का मेरिट बहुत हाई है और यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है तो मेरिट पर मिलता है। और इसकी थोड़ी सी मैं आपको एकेडमिक डिटेल देता चलूँ कि 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और 32 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं। 5,000 स्टूडेंट्स तकरीबन अंडर ग्रेजुएट के हैं और इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत भी पढ़ चुकी है, जिनमें से इलामा इकबाल है, फैज़ अहमद फैज़ है और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत पढ़ चुकी है। और इसके अलावा आज मैं आपको जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर विज़िट कराऊँगा और उसके जो स्टूडेंट लाइफ है वो दिखाऊंगा कि उसकी स्टूडेंट लाइफ कैसी है, कैसे यहाँ पे करंट स्टूडेंट लाइफ कैसी है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वक्त मेरे साथ जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की दो फीमेल स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा तालिब। अरीबा, किस डिपार्टमेंट से आप? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से। तो कैसी पढ़ाई जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर को क्यों चूज़ किया आपने? क्योंकि बस यहाँ पर मेरा मेरिट आया था। मेरिट आया था, कितने नंबर थे आपके? 996। तो फिर भी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर को चूज़ किया आपने? हाँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले सुना भी हुआ था कि काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर मतलब कि जो प्रमोशन ज़्यादा अच्छी मिलती है, जो टैलेंट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं ये लोग, और टीचर्स का और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा बिल्ड होता है यहाँ पे। वाकई में ऐसा है? ऐसा ही है। आपका क्या नाम है? हिफ्ज़ा। क्या करती है आप? स्टूडेंट और क्या करती हूँ, जो यहाँ पे सब करते हैं वही कर रही हूँ। सब क्या करते हैं? सब पढ़ने आए हैं और कुछ पढ़ाने आए हैं, तो मैं स्टूडेंट हूँ। कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती है कि जो क्लासेस बंक करके अपना फ़ोटोशूट करवाती है यूनिवर्सिटी में, कहीं आप उनमें से तो नहीं? सभी उनमें से हैं, जितनी भी लाइक भी हैं वो भी ऐसी हैं, सभी आजकल ऐसे ही हैं। सभी ऐसे ही है। तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? साइकोलॉजी। दोनों एक ही डिपार्टमेंट से है? जी। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे लड़के कैसे हैं? ठिड़की तो नहीं है ज़्यादा? इतना फोकस नहीं किया लेकिन है बहुत ज़्यादा। oh, no. बहुत ज़्यादा। कभी किसी ने आगे बोला हो आप मेरा क्रश है? जी बोले तो उसका पता कौन था वो? नहीं, अक्सर आके कोई एमी मूड आ के आ गया, उसने बोल दिया ऐसा ही लगा कि, क्योंकि अभी तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही था तो वो अचानक ही आ गया, उसने बोल दिया मुंह पे, तो फिर तो फिर क्या, मैं उसको डांट के साइड पे हो गई थी। अच्छा, तो ये तो चलता रहता है यूनिवर्सिटी लाइफ में है। ऐसे नहीं चलना चाहिए ना, अब इतने मैच्योर हो गए मेरे ख्याल से कि अब अपने काम से काम रखें लोग। नहीं, कोई ऐसा भी होता है ना कि नोट्स मांगने आ जाते हैं बहाने से? हाँ, नोट्स वाला तो सिस्टम क्लास तक ही चलता है। आपके साथ हुआ है? कितनी बार हुआ है? बहुत बार हुआ है। इंस्टाग्राम के डीएम्स तक आया हुआ है मैसेज, इंस्टाग्राम मैसेंजर। डीएम के मैसेजेस आए आपको? डीएम में मैसेजेस? अच्छा, डीएम में मैसेजेस आए हैं। अच्छा, वही ना डीएम, यार डीएम हो जाता है लड़कियों का इंटरव्यू है। ओह नो। हां हुआ है, ऐसा हुआ है, होता रहता है, आम है। हुआ है 3-4 बार हुआ है, क्योंकि अभी 3 साल हो गया यहाँ पे, तो 3 साल के अंदर 3-4 बार हुआ है ऐसा। 3-4 बार हुआ है
तो चलिए ये तो होता रहता है, ये तो लाइफ का हिस्सा है। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर को आपने कैसा पाया, इसको आप एक वर्ड में अगर बयान करें तो क्या वो वर्ड? कैंपस लाइफ का पूछ रहे हैं आप? हाँ, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी। किस लिहाज से अच्छी है? इस लिहाज से इन्वायरमेंट तो आपने खुद ही अपना बनाना होता है ना, आपको जैसे दोस्त मिलेंगे उस हिसाब से आपका इन्वायरमेंट बन जाएगा। तो मुझे तो फ्रेंड्स अच्छी मिली तो मेरी कैंपस लाइफ बहुत यहाँ पे अच्छी गुजर रही है। बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छा, तो आपकी कैसी गुजर रही है? मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। उसके बाद कोई लड़का तो नहीं आया? आई होगी, याद नहीं है, चलता रहता है। जी बिल्कुल। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मेरे साथ जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के बॉयज़ है और आए इनसे बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि ये यहाँ पे इनकी लाइफ कैसी गुजर रही है, ये यहाँ पे कैसा इन्जॉयमेंट करते हैं, कैसी इन्जॉयमेंट करते हैं यहाँ पे, कैसा इन्वायरमेंट है। तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। डिपार्टमेंट कौन सा है? बॉटनी डिपार्टमेंट में है और फ़िलहाल हमारी डिग्री कम्प्लीट हो गई है। डिग्री कम्प्लीट हो गई है तो यहाँ पर आना कैसे हुआ? क्लियरेंस करवाने आए हुए हैं। अच्छा, तो याद आता है जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर? जी, ये टावर जा ही याद आता है, वैसे और तो कुछ बस टावर ही आता है। यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये टावर से। तो लड़कियां नहीं आती याद जो क्रश जिन पे हुए थे? क्रश ये हमारे बैठे हुए, इनको साथ लेके आए हुए। अच्छा, ये लड़कियों पे क्रश हुआ है? लड़कों पे क्रश है। अच्छा, लड़के पे। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। अच्छा, और मेरा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है। ग्रेजुएशन हो गई कि अभी होनी है? मेरी एमए है, एमए है, एमए पॉलिटिकल साइंस। मास्टर कौन सा है? लास्ट सेमेस्टर हम भी क्लियरेंस के लिए आए हैं। अच्छा, तो इनके साथ ही है? जी जी, इनके साथ ही है बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जरगाम है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ वैसे यहाँ पे। तो कितनी पूंजी काट लेते जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में? यार अच्छी हो वाली हो जाती है, करने वाले पे डिपेंड करता है। करना चाहता है कि नहीं, तो करने वाले पे आगे वो क्या करना चाहता है क्या नहीं। तो अभी सिंगल है आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो पूंडी के बाद भी सिंगल आप? हाँ, मजा ही सिंगल रहने का। अच्छा, फिर ही बंदा पूंडी कर सकता है? हाँ, वैसे तो नहीं कर सकता, वैसे तो नजर रखती है ना लड़कियाँ। हाँ, नजर बड़ी तेज होती है यहाँ पे, हर जगह ही, हर जगह ही नजर बहुत तेज है। हाँ, तो कभी कोई लड़की पसंद आई हो, किसी से मोहब्बत हुई हो, इश्क हुआ हो, प्यार हुआ हो? रोज होती है यार, कई दफा होती है। हाँ, अब बंदा कितनी याद रखे, कितनी भूले। अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? तजीम साजिद। अच्छा, तो डिपार्टमेंट? बॉटनी। हो गई ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन हो गई। कैसी लाइफ गुजर रही है? बड़ी मजे में। अच्छा, सब इंस्पेक्टर है? इंस्पेक्टर है आप? सिलेक्शन भी हो गया? जी जी, माशाल्लाह, इंस्पेक्टर है, सिलेक्शन भी हो गई है। तो आप मुझे बताए, मोहब्बत, प्यार, इश्क कभी हुआ हो? और डेली होता है, जब जब यूनिवर्सिटी में ये 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 देखे, ये है जिस यूनिवर्सिटी के लड़के जिनको प्यार भी डेली होता है, मोहब्बत भी डेली होती है और इश्क भी डेली होता है, ऐसे ही है। तो कभी ऐसा हुआ हो इन चीज़ों से हट के, पढ़ाई की तरफ कितना ध्यान है आपका? वो जब इनसे हट जाए ध्यान, कभी महीने बाद, दो बाद, कभी पेपर आ जाए तो फिर करनी पड़ती है मजबूरन थोड़ी बहुत। अच्छा। नोट्स वगैरह तब लेने पड़ते हैं। अच्छा। और नोट से ही गुजारा, लाइक पास। तो कभी किसी लड़की से चीटिंग की है? हाँ हाँ, की उन्हीं से है तो आता ही उन्हें है। मेरे डिपार्टमेंट में मैं 3 लड़के हैं और 30 लड़कियाँ मेरी क्लास में, तो उन्हीं से करनी है। 3 लड़कों ने आपस में क्या कर लेनी है चीटिंग? वाह, 30 लड़कियाँ और 3 लड़के, ऐसी किस्मत भी होती है यूनिवर्सिटी के लड़कों की। आपके डिपार्टमेंट में कितनी लड़कियाँ? जी, हमारे डिपार्टमेंट में वैसे कम है क्योंकि ये है सोशल साइंसेस का। अच्छा। तकरीबन हमारी क्लास में हैं कोई, कभी किसी लड़की ने आके ये नहीं कहा आप बहुत प्यारे लग रहे हैं आज, आप बहुत क्यूट लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल ऐसा। कब हुआ है ये? क्लास फेलो ने कहा है और कौन? अच्छा, इनकी जो क्लास फेलो अगर वो वीडियो देख रही है, जिसने भी कहा वो मुझसे रब्ता जरूर करे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ किसने कहा है। अच्छा, आप कोई, आप में से कोई सॉन्ग सुनाना चाहेगा, कोई मतलब कुछ कहना चाहेगा? सिंगर हैं। अच्छा, सुनाए जी।
ख्वाब है तू नींद हूँ मैं दोनों मिले रात बने रोज यही मांगूं दुआ तेरी मेरी बात बने बात बने। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जाने। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी तूने जो देखा है तूने जो जाना है हूँ भी नहीं भी हूँ मैं वो चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा वैसा चाहो तो वादा ये ले लो तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी मुझे खुद से जोड़ ले तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी।